इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था और जिस तरह इंडिया ने आज बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला बिल्कुल गलत हो गया। जिस तरह इंडिया ने आज बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मोमेंट है, अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, और जिस तरह इंडियन फील्डर्स ने जिस तरह कैच पकड़े हैं, आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। बात करें कि एक किस्म की इंडिया को बिल्कुल वापस लेकर आए हैं। 36 रन पर जब पिछले मैच में इंडिया की टीम आउट हो गई तो इंडिया जहनी तौर पर हर लिहाज से इंडिया बाहर हो चुका था, लेकिन जिस तरह आज इंडियन बॉलर्स ने एक दफा फिर साबित किया कि हम अपनी टीम को आगे लेकर आ सकते हैं, तो जिस तरह मोहम्मद सिराज ने, खसूस तौर पर जसप्रीत बुमराह ने, रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरह की बॉलिंग की है और जिस तरह फील्डर्स ने उनका साथ दिया है, जिस तरह शबमिन गिल ने आज कैच पकड़ा है, और मोहम्मद सिराज और शबमिन गिल जो डेब्यू कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी है, आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, 195 रन के अंदर ऑल आउट कर दिया। जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने आज शुरू में ही ओवर कराया, जिस तरह जो बर्न्स को आउट किया, तो लग रहा था कि इंडिया आज कुछ करने जा रहा है, और वाकई इंडिया ने बड़ा जबरदस्त कमबैक कराया। लेकिन उसके बाद जब बैटिंग की बारी है इंडिया की, तो इंडिया की बैटिंग फिर एक लड़खड़ा रही थी, और जब शुरू में ही आउट हो गए मयंक अग्रवाल, और खुशकिस्मत रहे शबमिन गिल के उनका कैच छोड़ गया मानस लभुशाइन से, वरना बड़ा मुश्किल हो सकता था इंडिया के लिए, क्योंकि अभी भी इंडिया के लिए बैटिंग का बड़ा टेस्ट है। हमेशा से इंडिया की बॉलिंग हमेशा इंडिया को ओवरसीज कंडीशन में हमेशा इंडिया को आगे लेकर आती है, लेकिन इंडिया बैटिंग मायूस कर देती है, और इंडिया के तो अब मेन पिलर विराट कोहली भी नहीं रहे। लेकिन अगर इंडिया के शबमिन गिल जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, एक ही चांस दिया, लेकिन उसके अलावा शबमिन गिल ने बड़ी जबरदस्त और पॉजिटिव इंटेंट दिखाया, तो अगर शबमिन गिल ने इसी तरह पॉजिटिव इंटेंट दिखाया और पुजारा खड़े रहे, तो होपफुली ये बॉक्स टेस्ट मैच है, इंडिया एक दफा फिर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। बड़े जबरदस्त इंडिया ने इस टाइम अपने मैच में पूरी तरह मैच अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन अब फर्स्ट इनिंग में इंडिया को कम से कम भी 350 प्लस टारगेट जो है 350 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। उसके लिए पुजारा को और शबमिन गिल को एक अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, 50-100 पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तब ये जो मैच है वो आगे जा सकता है, और इंडिया के लिए बड़ा जबरदस्त चांस है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को आगे ना आने दे और आसानी से जो है वो मैच अपने अंडर कर ले और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतकर सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर कर ले। तो नाजरीन, जिस तरह इंडिया ने आज कमबैक किया, बड़ा ही हैरान है। आपने कमेंट में लाजिम बताना आपको कैसी इंडिया की आज की परफॉर्मेंस लगी है, और खुसूसी तौर पर जिस तरह मोहम्मद सिराज ने और शबमिन गिल ने जिस तरह डेब्यू में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, आपने इनके बारे में कमेंट में लाजिम बताना है। मैं तो हैरान हुआ, और खुसूसी तौर पर इंडिया के पास कहते हैं बैट्समैन एक तो आते रहते हैं, और वाकई आज जिस तरह शबमिन गिल ने आज पॉजिटिव इंटेंट दिखाया, एक कैच जरूर छूटा, लेकिन जो पॉजिटिव इंटेंट की बात है कि जिस तरह इंडिया शबमिन गिल ने जिस तरह बैटिंग की है, वाकई इंडियन के जो दूसरे बैट्समैन है उनके लिए एक किस्म का शबमिन गिल को देख के एक सीखने को मिलेगा। एक यंगस्टर जो पहला मैच खेल रहा है इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहा है, तो इंडिया को वाकई एक फ्यूचर का एक सुपरस्टार शबमिन गिल की सूरत में अब लग रहा है कि मिल गया है। और अगर आपको नाजरीन अब ये जो मैच है लग रहा है कि इंडिया अपने कंट्रोल में, और कल इंडिया ने अगर अच्छा पहला सेशन गुजार लिया, तो इंडिया आसानी जो है वो टेस्ट मैच ये जीत भी सकता है। अभी तो पहला डे है, आगे टेस्ट मैच बड़ा पड़ा है, लेकिन अभी इंडिया ने 70% जो है वो मैच को अपने अंडर कर लिया, क्योंकि स्टीवन स्मिथ को दो मैचों में सिर्फ एक रन स्टीवन स्मिथ बना सके हैं। मानस लभुशाइन बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की तो बैटिंग बिल्कुल भी नजर ही नहीं आई इंडियन बॉलिंग के आगे, तो वाकई इंडिया ने अपनी बॉलिंग जिस तरह इस तरह इंप्रूव की है, हैरान कन बात है। तो नाजरीन, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक जरूर करनी है, क्रिकेट के फैन के साथ जुड़े रहना है, क्रिकेट के फैन के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। आपको जो कितनी भी जितनी भी खबर है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की, मैं आपको लम्हा ब लम्हा हर खबर से आगाह करूंगा। आज मैंने आपको इस मैच से पहले मैंने आपको टीम की प्लेइंग 11 बताई थी, बिल्कुल वही टीम प्लेइंग 11 इंडिया की खेली है, तो आपने इस मैच मेरे साथ क्रिकेट के फैन के साथ जुड़े रहना है। तो आपको जितनी भी जो लम्हा ब लम्हा खबर है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की, आपको क्रिकेट के फैन पर मिलेगी। और अगर आपको ये मेरे चैनल अच्छा लगा है, तो आपने वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने लाइक जरूर करनी है, शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो अब आप मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।